हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेमन बटरफ्लाई के ऊपर। मानसून आ चुका है, मोस्टली सीजन ही होता है सारे इंसेक्ट के अटैक होने का, क्योंकि सारे इंसेक्ट अभी ही ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में ही ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है। देखिए, मेरे छत में नींबू के पौधे में इतना ज़्यादा कैटरपिलर का अटैक हुआ है, सारे पत्ते खा चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, कौन सा दवाई यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा आप मास्क ग्लव्स पहन के ही कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको आदत हो जाती है, या प्रोफेशनल ना होने से भी हमेशा मास्क और ग्लव्स पहन के ही दवाई का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। इसके आँख में, नाक में जाने से या स्किन में लगने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रख के ही इस चीज़ का यूज़ करें। और दोस्तों, कौन सा दवाई का यूज़ करना चाहिए, मैंने ट्राइसिल का यूज़ कर रही हूँ और सिलिकॉन बेस्ड चिप्पू का यूज़ कर रही हूँ, आप भी इस चीज़ का ध्यान रख के कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो ब्लैक्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लैक स्पॉट जो है, ये एग्स होते हैं, अंडे होते हैं जो लेमन बटरफ्लाई का है। ये एगलिंग करके जा चुकी है और ये हैचिंग होके इसी प्लांट में अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन सी दवाई हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने ml मापने का ले लिया है, नापने का, और ये मैं दवाई मिक्स कर ले रही हूँ। ये मैंने 4 लीटर पानी लिया है, आप भी इस हिसाब से, आपको जितना चाहिए पर लीटर के हिसाब से 2 से 2.5 ml, अगर ज़्यादा अटैक हो तो आप उस हिसाब से 3 ml भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दवाई ले लेंगे तो पत्ते जला देती है। हार्डी प्लांट है तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ, सॉफ्ट प्लांट है तो पौधे के पत्ते जल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इस तरीके से स्प्रे कर दे रही हूँ सारे प्लांट में। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम ही स्प्रे करें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि धूप निकल जाती है तो इंसेक्ट पूरे छुप जाते हैं, अंदर अंदर रहते तो सारे में स्प्रे अगर नहीं हो तो कुछ रह जाते हैं, तो बाद में पौधे को अफेक्ट करते हैं। तो अब सुबह का टाइम क्या होता है, सारे इंसेक्ट सुबह के टाइम ही अपना फूड मटेरियल या लीव्स को खाना स्टार्ट करते हैं, जो पत्ते के ऊपर मोस्टली दिखते हैं, तो इसीलिए आप सुबह ही स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मेरी कंप्लीट हो चुकी है स्प्रे, और ये देखिए सब इंसेक्ट मर चुके हैं। एक दो ही होंगे जो थोड़े बड़े हैं, उनको टाइम लग रहा होगा, बाकी सारे के सारे मर चुके हैं, देखिए। तो दोस्तों, आप हमेशा इस टाइप का दवाई का यूज़ करें जो एक साथ बहुत सारे, और जो मैंने दवाई यूज़ किया है इसका मैंने वीडियो पहले से एक बना के रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। और ये जो दवाई है दोस्तों, ये एग, लार्वा, बटरफ्लाई सारे को एक साथ मार देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।